पूर्व भारतीय हरिफन मौला युवराज सिंह चाहने वालों के लिए एक बड़ी शानदार खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि युवी आईपीएल के आने वाले सीजन में वापसी कर सकते हैं। 2019 में अपना आखिरी आईपीएल मैच खेलने वाले युवराज सिंह आपको आगामी आईपीएल सीजन 2025 में नजर आ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करें, उससे पहले आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। युवराज सिंह के बारे में बात करें उससे पहले बात करते हैं हाल ही में खेले गए बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के बारे में। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान की टीम को पहली बार टेस्ट मैच में हराकर इतिहास रच दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं WTC के सफर में खेले गए पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बारे में। इस टेस्ट मैच से पहले अगर दोनों टीमों के बीच में आंकड़ों की बात की जाए तो इससे पहले दोनों के बीच में 13 टेस्ट मैच हुए थे। उनमें से 12 टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम ने जीते और साथ ही एक मैच ड्रो रहा। यानी कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान की टीम को कभी भी टेस्ट मैच नहीं हरा पाई। लेकिन 2024 में बांग्लादेश की टीम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पाकिस्तान की टीम को धूल चटा दी। इस मैच के बारे में बात करें तो इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 113 ओवर में 428 रन बनाए। इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में बहुत ही खराब बॉलिंग की। पाकिस्तान की टीम ने 428 रन बनाने के बाद में इतनी खुशी से डिक्लेयर किया जैसे कि पाकिस्तान की टीम यह मैच आसानी से जीत लगी। पाकिस्तान की टीम के लिए पहली पारी में सूद शकील ने 141 रन और साथ ही की विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भी 171 रन की धमाकेदार पारी खेली। पाकिस्तान की टीम को लगा कि पाकिस्तान की टीम यह मैच आसानी से जीत लगी, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने उसके मन से भी पानी फेर दिया। बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में 167 ओवर में 565 रन बना ली। बांग्लादेश को इस लक्ष्य तक पहुंचाने में मुस्ताफिजुर रहीम की बहुत ही बड़ी भूमिका रही। मुस्ताफिजुर रहीम ने 191 रन की धमाकेदार पारी खेली। मुस्ताफिजुर रहीम दौर से तक से जरूर चूक गए, लेकिन उनकी यह पारी बहुत ही कारगर साबित हुई। इसके साथ साथ बांग्लादेश के ओपनर सदाम इस्लाम ने भी 93 रन की धमाकेदार पारी खेली और इन सब के चलते बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में 117 रन की लीड ले ली। इसके बाद 117 रन की लीड मिलने के बाद में पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में कुछ भी कमाल नहीं कर पाई। दूसरी पारी में पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने जरूर 51 रन बनाए, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम 55 ओवर में 146 रन पे ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश की टीम को जीतने के लिए मात्र 29 रन का लक्ष्य मिला, जिसे बांग्लादेशी टीम के ओपनर्स ने 6 ओवर में बना डाला और इस तरह बांग्लादेश की टीम ने पहली बार टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम को हरा दिया। अब बात करते हैं आगे हमारे इस वीडियो में युवराज सिंह के बारे में। जी हाँ, युवराज सिंह अब आने वाले आईपीएल में यानी 2025 के सीजन में आईपीएल में वापसी कर सकते हैं, लेकिन उनकी यह वापसी बतौर खिलाड़ी न होकर बतौर कोच होने वाली है। यानी कि युवराज सिंह आईपीएल में कोचिंग के लिए डेब्यू करने वाले हैं। युवराज सिंह ने अपना आखिरी आईपीएल मैच 2019 में मुंबई इंडियंस के लिए खेला था और उस साल ही मुंबई की टीम चौथी बार चैंपियन बनी। लेकिन अब इस बार युवराज सिंह कोचिंग के रूप में आईपीएल से जुड़ सकते हैं और कोचिंग के लिए दिल्ली कैपिटल की टीम युवराज सिंह को अपने साथ जोड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली की टीम के लिए पिछले 6 साल से रिकी पोंटिंग कोचिंग की भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार रिकी पोंटिंग से अपना नाता तोड़ दिया है, क्योंकि लगातार 3 सालों से दिल्ली कैपिटल की टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही है और अभी खबरों के मुताबिक दिल्ली कैपिटल की टीम को एक भारतीय कोच की जरूरत है, जिसके लिए अभी दिल्ली कैपिटल की टीम युवराज सिंह को कोचिंग के रूप में नियुक्त कर सकती है। युवराज सिंह के बारे में अगर बात करें तो युवराज सिंह ने 12 सालों तक आईपीएल में अपनी भूमिका निभाई है और 12 साल के लंबे करियर के दौरान युवराज सिंह पंजाब किंग्स, पुणे वॉरियर इंडिया, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं। यानी कि युवराज सिंह अपने 12 साल के लंबे करियर के दौरान 6 टीमों से खेल चुके हैं, तो जिसको देखते हुए लगता है कि दिल्ली कैपिटल की टीम युवराज सिंह को अपनी कोचिंग के रूप में रख सकती है। युवराज सिंह की भूमिका को कोई भी नहीं भूल सकता कि किस प्रकार युवराज सिंह ने 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के लिए कितनी अहम भूमिका निभाई थी। युवराज सिंह के ऑलराउंडर पर्सन के दम पर ही टीम इंडिया ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप और साथ ही 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया ने नाम किया। इन दोनों ही वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। आईपीएल में युवराज सिंह दिल्ली कैपिटल के कोच बनने के साथ साथ गुजरात टाइटल के कोच भी बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। गुजरात टाइटल ने भी 2023 में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया और अभी गुजरात की टीम आशीष नेहरा को हटाकर युवराज सिंह को अपने साथ टीम में जोड़ सकती है। तो यह बात साफ है कि युवराज सिंह आगे आने वाले आईपीएल सीजन में आपको किसी न किसी टीम का कोचिंग के कार्यकारी के रूप में दिख सकते हैं। तो अब आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।